आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब अगर बीवी अच्छी हो तो फिर क्या कहने, ज़िंदगी आपकी जितना बल्ले बल्ले हो जाती है। अब देखिए, बीवी को जाना था जिम, लेकिन वो अपने साथ में लेके गई हस्बैंड को। तो हस्बैंड की मतलब जो हेल्थ जो है उसको भी टेक केयर कर लिया गया। और अब देखिए व्लॉग के अंदर देखिए ध्यान से कि खाना दिया गया है कि आज हमारे यहाँ बना है ये खाना, उसमें जो कैबेज है और उसके साथ में घी की सब्जी है और उसके साथ में रोटी और सलाद है। भाई वाह, बढ़िया खाना बना है। और हाँ, मौदा का घी भी है उसमें। जैसे फनी ने उस घी को सूंघा, भाई वाह वाह वाह, वो तो पहुँच गया अपने गाँव में और ज़रूर उस भैंस के पास पहुँच गया होगा, उसको बड़े प्यार से सहला रहा होगा जिसके दूध से वो घी बना हुआ होगा। ऐसा हमारा जो ना अच्छे लोगों का सोचना है। वो क्या, उसने क्या सोचा होगा, मौदा का घी और उसने सूंघा होगा तो उसको अपने दोस्त दिखाई दिए होंगे, मौदा की गलियां दिखाई दी होंगी और जहाँ जहाँ वो छतों पे कूदता था और इधर से उधर जाता था और अंडा कहीं ना कहीं से चुरा चुरू के लिया करता था, तो वो सब उसे ध्यान में आ रहा होगा। एनीवे, बात हो रही थी अच्छी बीवी की, तो अच्छी बीवी ने एक अच्छा खाना बना के हस्बैंड को दिया और साथ में ये भी बोला ये सारा ख़त्म करना है। बीवी के बाद में ये माँ कब से बन गई कि सारा ख़त्म करना है, घिया खाना है, तुम्हें कैबेज खाना है, जिससे नॉर्मली जो है लोग बचते हैं, तो उसके लिए वो कह रही है कि भाई तुम्हें ये सारा ख़त्म करना है। तो इसलिए हमने कहा कि ये मदर कब से बन गई इसकी। चलो भाई अच्छा है, कम से कम वो यखनी पुलाव जो बना पड़ा था वो तो नहीं दिया उसने, जबकि वो बचा हुआ इतना पड़ा हुआ था कि ये पूरा का पूरा इनका घर खा ले और उसके बाद में भी बच जाए। कि आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा खाने की वेस्टेज है जो इनके घर में ये इस तरह से चलती रहती है। यही यखनी पुलाव जो है मैडम और जनाब के घर में पहुंच गया था और वहां पे भी उन्होंने तारीफ करी, अम्मी ने भेजा था, बहुत अच्छा था। अब देखने वाली बात ये है, ऐसा तो नहीं है कि जो बचा कुचा रह गया है उसमें से निकाल के वहां पे भेज दिया हो। डेफिनेटली माँ है, जब उसने बनाया होगा तभी उसने गरम गरम वहां पे भिजवाया होगा कि भाई सानू बेटा ये तुम्हारे लिए है। मेरा ये पॉइंट हाईलाइट करने का ये मतलब था कि इतना ज्यादा खाने की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो ये जो फैमिली की जो जरूरत है ये उसका डबल से भी ज्यादा है, यानी दुगने से भी ज्यादा है ये। पर मुझे समझ में नहीं आता क्या व्यूवर्स का ये लेवल हो गया है कि मसूर की दाल कैसे बनेगी ये इनसे पूछना पड़ेगा। और मसूर की दाल जो कि बेसिकली इसने कहा था कि अम्मी ने कहा था ये मैंने नहीं बनाई है, जो हाउस हेल्प आती है उसने बनाई थी। यहाँ पे तो देखा जाए तो दाल की बुराई हो रही थी कि दाल ऐसी कैसी बनाई है, सारी चुपक के एक साथ हो गई है। क्या सचमुच में व्यूवर्स को वो दाल इतनी पसंद आई होगी, मैं नहीं मानता। ये कहां से मतलब नई बात निकल के आई कि व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि मसूर की दाल की रेसिपी बता दो, और वो भी अम्मी से पूछ रहे हैं, जबकि बनाई जो है उसने नहीं है, बनाई दूसरी ने। मतलब जब बुराई कर रहे थे तब तो ये बात हुई कि भाई मैंने नहीं बनाई है, ये हाउस हेल्प जो आती है उसने बनाई है, और अब जब ये तारीफ लेने आ गई तो फिर बात आ गई कि भाई अम्मी ने बनाई है। इतना झूठ मतलब पिछले व्लॉग से इस व्लॉग में आते आते इतने झूठ। मुझे तो लगता है इन्हें बहुत बहुत सारे बादाम खाने चाहिए, क्योंकि ये इनकी गलती नहीं है, ये भूल जाते हैं बेचारे पिछले व्लॉग में क्या कहा था, उससे पहले क्या कहा था, और पकड़ लिए जाते हैं और फिर इनको सुनाई जाती है तो इनको जो बुरा लगता है। भैया बेचारे हैं ये, इनके बारे में ऐसी बात मत कहो, ये बेचारे इसलिए हैं कि ये भुलक्कड़ हैं, ये बादाम वादाम नहीं खाते, ये खाते हैं जो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, ये बाकी चीज़ें खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं और केक खाते हैं, बहुत ज़्यादा केक तो सबसे ज़्यादा खाते हैं। अब मैं समझ नहीं पाया ये नाम क्या बोल रहा है कि किसने ये जो बिस्किट हैं, जो उस्मानिया बिस्किट हैं, वो ये लाकर दिए हैं इसने कि भाई वो उसने बताया तो था कि वो लेकर आया है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन है जो हैदराबाद गया और इसके लिए ये बिस्किट्स लेकर आया है। और बिस्किट प्रेम इतना है कि भाई पूछो मत ना, अगर डब्बा भी खुल गया है तो उसका भी जो इल्ज़ाम है ना वो अम्मी के ऊपर आ रहा है, क्योंकि खाने पीने के मामले में कोई भी चीज़ इधर से उधर होती है, यही कह लो चोरी होती है, तो अम्मी का नाम आता है भैया, उन्होंने खा लिया होगा या उन्होंने खुलवा लिया होगा। खाने की चीज़ों पे इतने छोटी छोटी बातें बहुत बुरी सी लगती हैं। अब अपनी माँ की बातों को हाईलाइट करिए भैया, कैसी बेटी है कि मतलब वो जो सो जाती हैं, अगर कोई प्रोग्राम देख रहे हो, कोई बात कर रहे हो तो वो सो जाती है, उसी चीज़ को हाईलाइट करिए कि भाई ये इनको तो नींद लग जाती है। कभी इस डब्बा ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि इनको नींद क्यों लग जाती है। अरे जब तुम रात को 12-12 बजे तक, जब तुम्हारा हस्बैंड तो आता है 1 से 2 बजे के बीच में, नॉर्मली वो 2 और 2 के बाद में आता है, और तुम उस टाइम तक पूरे घर को इसलिए जगाए रखती हो क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड अभी आया नहीं है, और फिर उसके साथ में तुम्हें खेलना है, तरह तरह की बातें करनी है, फालतू की बातें करनी है। ओह वो ज़रूरी बात जो है वो भी करते हो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन उसकी वजह से सबको जगना पड़ता है।
अब ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं होगी तो तुम्हारी बातें कौन सुनेगा? क्या इतनी इंटरेस्टिंग है तुम्हारी बातें? तो वो फिर जो सो ही जाएगा। अब देखिए, बर्फ के नाम पे भी जो मुफलिसी वाला कार्ड है ना, वो खेला जा रहा है कि भाई पहले हम कैसे गरीब थे, बर्फ़ हमें नसीब नहीं हुआ करती थी, कॉम्प्लान भी नसीब नहीं हुआ था, लेकिन अब बर्फ़ भी नसीब नहीं हुआ करती थी। बराबर में किसी का घर था, उसके फ्रिज में बर्फ़ जमाया करते थे, उसके बाद में उसको लेकर आया करते थे। इनको एक क्वार्टर मिला हुआ था, मतलब घर, ये फ्लैट कह रही है, पर ये पहली बार जो बोली थी वो सही बोली थी, क्योंकि एक चौकीदार को क्या मिलेगा, एक कमरा मिलेगा रहने के लिए, उसी कमरे में ये सारे लोग रहा करते थे, तो उसी को क्वार्टर बोला करते थे पहले। तो वो ही कह रही है कि वो एक कमरे का जो उसको मिला हुआ था क्वार्टर, उसमें रहते थे, ये तब की बात है। अब इसके बाद में अम्मी भी सीख दे रही है कि भाई दिन चाहे कैसे भी हों, लेकिन सुखी रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अल्लाह जो है ना, वो दिन भी जो गुजार देता है और आपकी हालत वो बदल जाती है। भैया इतनी सीख, इतनी सीख, और ये तुम्हारी बेटी, इसको क्या हुआ? इसने क्यों नहीं करके मौधा में गुजारा कर लिया? इसने क्यों करके वहां कंप्रोमाइज नहीं किया? इसने वहां जाके क्यों खुश नहीं हुआ कि भाई जो वक्त है वो वक्त मेरा अगर ये है तो मेरे को ये ही करना होगा? ये क्यों करके वहां नहीं रही? ये तो वापस आ गई तुम्हारे पास ही, और उसके बाद में यहीं पर जम गई, और यहीं पर जम नहीं गई, उसको भी साथ में ले आई, फनी को भी। तो भैया ये शिक्षाएं जो है ना तुम दूसरों को देते हो, तुम्हारे घर में यूज नहीं होती हैं। सारी जो शिक्षाएं देते हैं ना, बिल्कुल उल्टी उल्टी शिक्षाएं देते हैं। अब डब्बा भी लग गई लाइन में, उसको भी कुछ ना कुछ तो शिक्षा देनी पड़ेगी। तो वो भी कह रही है कि भाई खुश में खुशी रहना चाहिए, और ऐसे रहने से अल्लाह भी खुश होता है और आपको वो खुशियां देता है, और आपको दूसरों को देख के खुश रहना चाहिए। जैसे तुम जो ना मेहर को देख के खुश हुई थी, जैसे तुम अपनी सास को देख के खुश हुई थी, जैसे अपनी ननद को देख के खुश हुई थी, तो तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, तुम्हारी तो खुशी आती रहती है, और उससे अल्लाह भी खुश होता है। और जिस तरीके से तुम अपने भतीजे के साथ करती हो, भतीजा होते हुए भी तुम्हारा उसके साथ में प्यार अफेक्शन कुछ भी नहीं है, उसके अलावा भी जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके साथ में भी नहीं है, तो अल्लाह कहाँ से खुश होगा? तो जो तुम मांग रही हो वो चीज़ कहाँ से मिलेगी तुम्हें? जो भी कह रहे हो उसकी शुरुआत अगर अपने आप से करो तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, उसी से तुम्हारी ज़िंदगी सुधरेगी, और तब ज़रूर अल्लाह तुम्हें उन सब खुशियों से नवाजेगा जो अभी तक नहीं मिली हैं। अब देखिए, हेल्थ का बुलेटिन देख लीजिए, उसको फीवर चल रहा है, और वो भी फीवर कौन सा चल रहा है? वायरल फीवर चल रहा है। तो समटाइम वो जो हाई भी हो जाता है, तो रात को 2 बजे उसका फीवर हाई हो गया है, जिसके लिए उसको मेडिसिन दी जा रही है। ये जो इतना डल डल रह रही है, यही सब जो आपात हो रहा है, कुछ इसकी तबीयत ख़राब है, कुछ इसके पीरियड का असर था जो बेसिकली अभी आए थे, और जिसको लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इसके प्रेगनेंसी में। और जब इसको लगा कि भाई ये तो इसका ड्रामा तो हिट हो रहा है, तो वही आगे प्रोलोंग भी हो रहा है। और चलिए, आखिरकार इसका पासपोर्ट आ ही गया, यानी पिज्जा का पासपोर्ट आ ही गया। और वो पासपोर्ट के लिए कितनी ज़्यादा क्रेजी है कि पासपोर्ट आने के बाद में उसे बहुत खुशी हुई है, इसलिए वो शुक्राने के नफिल पढ़ रही है। वो बात दूसरी है कि फर्श पर ऐसे पढ़ रही है, वहाँ कोई जानमाज वगैरह नहीं बिछाई गई है। वो भैया इन्होंने तो घर में जो है ना नमाज का स्थान भी बनाया, यानी नमाज का रूम भी बनाया है, वहाँ पर भी पढ़ी जा सकती थी। लेकिन चलो, इसमें जो हमें नज़र आता है वो इसका क्रेज नज़र आता है, और वो अल्लाह के लिए जो शुक्रगुजार है वो नज़र आता है कि वो अगर उसके साथ में कोई अच्छी चीज़ हुई है तो वो अल्लाह के लिए बहुत शुक्रगुजार है, और नमाज पढ़ रही है तो शुक्राने के नफिल पढ़ रही है। इससे पहले तो हमने डब्बा को या अम्मी को ये ऐसा सब करते हुए नहीं देखा कि ये अपनी किसी भी चीज़ के लिए शुक्राने के नफिल पढ़ रही हैं, और वो भी तुरंत पढ़ रही हैं। फेस्टिवल सीज़न है, ऐसे टाइम पे ना प्रमोशन भी काफ़ी सारे आते हैं, तो इसके पास में काफ़ी सारे पार्सल आए हुए हैं जिनका ये प्रमोशन जो है बहुत ज़्यादा कर नहीं पाई है। हालांकि ये स्टोरी लगा रही है, हमने स्टोरियाँ भी देखी हैं, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो कर नहीं पा रही है। तो पूरा घर उसको तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि भैया यही है जो कमा के देगी, अगर ये करेगी तो कुछ घर में आएगा। तो इस करके उसका जो है पूरी पैम्परिंग करके उसको तैयार किया जा रहा है, महारानी बना के रखा है पूरी तरीके से, और खुद भी जो है पिज़्ज़ा को छेड़ रही है कि भाई तुम्हारा जो पासपोर्ट आ गया तो पार्टी कब दे रही हो, और पासपोर्ट आ गया तो इतनी ज़्यादा खुश है, इतनी ज़्यादा खुश है कि अभी की अभी जो है ये दुबई चली जाए। तो वो बच्ची है बेचारी, तो मना कर रही है, कह रही है कि मैं ऐसा कैसे जा सकती हूँ, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ। तो उसको कह रही है, नहीं अकेले तो बहुत बहुत लोग चले जाते हैं, आज की डेट में तो लड़कियाँ जो है ना अंतरिक्ष में चली गई हैं, ये तो कल ही होकर आई थी अंतरिक्ष में और वहाँ घूम फिर कर आई है, तो अब जो है कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी जा सकती हो।
हवाई जहाज में बैठने को डर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, अंतरिक्ष में जाने के लिए तो स्पेस शटल होता है। अब स्पेस शटल में कैसा डरना है, स्पेस शटल में कोई डर नहीं लगता है। सच पूछो तो इसको इतनी नॉलेज भी नहीं होगी कि स्पेस शटल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, या क्या किस टाइप के स्पेस शटल्स और होते हैं, किन के स्पेस शटल जो ज़्यादा इस समय चल रहे हैं, कौन सा कंट्री जो है इसमें बहुत आगे है, और ये स्पेस शटल भेजे जाते हैं इनका मकसद क्या है, उनसे क्या हासिल होता है, ये सारी बातें जो है अच्छे दिल वाले कहाँ से जान पाएंगे, जिनकी आदतें अच्छी हों वो कहाँ से जान पाएंगे, जो प्यार मोहब्बत करते हों वो कहाँ से जान पाएंगे, क्योंकि ये सब जानने के लिए तो एजुकेशन चाहिए होती है, जो इनके पास है नहीं। और भाई इसके बाद जो मावा पुराण जो शुरू होता है इनका, वो ब्लॉग के एंड तक चलता है, यानी कि वो मिठाई बना रही है उनके लिए, क्योंकि पासपोर्ट आया तो उसे पार्टी करनी है, तो वो पेड़ा बनाना चाहती है और साथ साथ वो उनको वड़ा पाव भी खिलाना चाहती है, तो इस तरह से उनकी पार्टी हो जाएगी। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने मावा मंगाया है मार्केट से, और वो मावे को भून रही है जिससे कि वो पेड़े में कन्वर्ट कर सके। अच्छा, यही पेड़े इससे पहले आज से 4 साल पहले डब्बा ने बनाए थे, और उसकी रेसिपी जो है ना व्लॉग में अपलोड करी थी कि देखो हम पेड़े बना रहे हैं, और पेड़े बनाए थे उसने मथुरा के पेड़े के नाम से बनाए थे। और उसके बाद में भी आज की डेट में ये बच्ची बनाने के लिए बैठी है, और वो वही वाले चैनल पे, यानी उसी के चैनल से वो देख रही है कि उसने कैसे बनाए थे, क्योंकि उन्होंने पहले बनाए थे तो आज की डेट में उससे बन नहीं रहे हैं, उससे गड़बड़ हो गई है। तो घर में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो उसको करेक्ट कर सके या उसको ये बता सके उसने किया क्या है, उसने गलत क्या किया है। देखिए मावा जो होता है वो कई प्रकार का होता है। अब मावा जो आप लेकर आए हो वो बेसिकली क्या है, रेडिली यूज़ करने वाला होता है, यानी वो पहले ही दो तरह का अलग अलग मावा देते हैं, थाप मावा देते हैं, और एक वो वैसा मावा होता है जो कि थोड़ा सा लिसलिसा होता है। आपने देखा होगा अगर कलाकंद बनते हैं तो कलाकंद का दाना बिल्कुल दाना दाना खिला हुआ होता है, जबकि पेड़े होते हैं तो उसका दाने का जो साइज़ होता है, ग्रेन का जो साइज़ होता है, वो बहुत ही फाइन होता है, और बर्फ़ी के लिए तो और भी उससे ज़्यादा फाइन हो जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं ये इसीलिए आते हैं कि मावा जब भुना जाता है, वो जब वो लोग मावा बनाते हैं, हलवाई बनाते हैं, तो किसी में पानी का कंटेंट कितना छोड़ना है वो उसी के से बनाते हैं। जितना आप उसमें जो वाटर कंटेंट निकालते चले जाएंगे उतना वो ज़्यादा ही दानेदार बनता चला जाएगा, ग्रेनुल्स बनते चले जाएंगे उसके। तो उसके बाद में वो उसी तरीके से अलग अलग टाइप की मिठाइयों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि रसगुल्ले हैं, रसगुल्ले के लिए दानेदार नहीं चाहिए। क्या सचमुच में इस फैमिली ने कभी भी इस तरह की मावे की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें घर में कभी भी ट्राई नहीं करी, और इतनी नॉलेज नहीं है कि इस बच्ची को बता पाते कि उसका मावा जो कैसा है और उसको कैसे उसको टैकल करना चाहिए था, यानी पहले से ही उसको मावा वहाँ से बता के लेके आना चाहिए था कि किस चीज़ के लिए चाहिए। तो हलवाई जो है उसी टाइप का आपको मावा देता है, और उसके बाद में घर पर ला के उसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं थी, फिर हल्का भूनने से ही वो हल्का सा सुने मतलब लाल सा हो जाता, तो उसके बाद में आप आराम से उसको बना सकते हैं पेड़े। और अब भी देखा जाए तो इनके घर में कौन सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, इनकी भाभी सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये एक्सपर्ट के पास भी गए, पहले पैसे पता किया उससे फ़ोन पे, तब उससे कोई हेल्प नहीं मिली, तो इन्होंने सोचा कि उसको दिखाएंगे, यानी मरीज की कंडीशन दिखाएंगे तो दवाई अच्छी मिलेगी, तो उसको लेकर उसके घर में वापस वहीं पहुँच गए हैं कि इसका क्या करना चाहिए। और कल तो देखो अगर दानेदार मावा हो गया तो चम्मच से पीस पीस के या मिक्सी में पीस पीस के आप उसको वापस उस हालत में नहीं ला सकते हैं। भाई हर चीज़ की एक स्टेज आती है, उस स्टेज के बाद में आगे जाके करने में वो वापस नहीं आ सकती, तो वो उसी स्टेज में पहुंच गया है कि अब वो उसका ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि जो जिस तरीके का दिखाई दे रहा था उसमें भी वो मीठा मिलाकर और उसको अगर लड्डू की तरह बांधने की कोशिश करते हैं, यानी मावे की तरह बांधने की पेड़े की तरह बांधने की कोशिश करते तो वो भी टेस्टी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी कई सारी मिठाइयाँ बनती हैं जो बहुत ज़्यादा खींची जाती हैं, खींची जाती हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा भुनी जाती हैं, और तो उनका स्वाद जो अलग सा ही होता है। लेकिन मावे के लिए इसके लिए पेड़े के लिए थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं भुना जाता, थोड़ा कम भुना जाता है। अलीगढ़ के आसपास एक मिठाई बहुत ज़्यादा मशहूर रहती है, मेवा बाटी, उसमें जो है वो मावा जितना पेड़े के लिए भुना जाता है उससे भी ज़्यादा भुना जाता है, और उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है और काफ़ी मशहूर है वो
अपने टेस्ट के लिए। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब के पास में अब जब वो पहुंचा दिया गया मरीज को देखने के बाद में उन्होंने कह दिया आपने बहुत देर कर दी लाने में, अगर आप थोड़ी देर पहले और ले आते तो मैं कुछ कर सकती थी। तो अब डॉक्टर ने भी हाथ पूरी तरह से खड़े कर दिए, कुछ नहीं हो सकता। और आखिरकार वो डॉक्टर के पास ही छोड़ आए कि डॉक्टर साहब अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, हमसे तो ना हो पाएगा, हमसे तो बन नहीं पाएगा, इसलिए आप ही कुछ कर लिए। तो उन्होंने भी वादा किया यस मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इसको वेंटिलेटर पर डाल के जो सही तरह से करने की, और इसका कुछ ना कुछ आपको अच्छा कुछ बना के ज़रूर दे दूंगी। सच में अपने आप में ये घर क्या है, ये अपना केस है, और इसके बारे में क्या कहें, इसमें नई नई बातें ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं कि जिनको देख के लगता है कि इसके घर की जो लेडीज़ हैं उनको क्या कुछ भी मालूम नहीं है, और अगर मालूम नहीं भी है तो यार इंटरनेट और ये सब चीज़ें उनसे मालूम कर लो। और सबसे पहली बात जो मैंने पहले सबसे पहले बताई थी, आपको बताना चाहिए हलवाई को आप किसके लिए लेके जा रहे हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हलवे के लिए, यानी गाजर का हलवा बहुत सारे घरों में बनाया जाता है, सर्दियों में लगभग बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो उसमें वो मावा मंगाते हैं मार्केट से, तो वहाँ बताना पड़ता है कि ये कौन से उसके लिए लेके जा रहे हो, अदरवाइज़ जो है वो आपको मावा गलत आ जाएगा और आपके पास में वो स्वाद नहीं आएगा जो बेसिकली गाजर के हलवे में मावे के डालने के बाद में आता है। और लड़की कितना ज़्यादा मेहनत कर रही है, मैं बात कर रहा हूँ पिज़्ज़ा की, तो उसका जो पासपोर्ट आया अभी उसके लिए उसको मैं भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थी और उसका जो क्यूरियसिटी थी पासपोर्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा थी। इसका पासपोर्ट देख के ना नान को होने लगी है कि भाई मेरा पासपोर्ट नहीं आया, मेरा पासपोर्ट कब बनेगा। अगर बच्चा जो है ना 18 ईयर से कम का होता है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी उनका पासपोर्ट बन सकता है, जिसकी वजह से नान का पासपोर्ट नहीं बनाया और पिज़्ज़ा का पासपोर्ट बन गया है। तो ये अब उसकी अम्मी को बुलाने वाले हैं और तब उसका पासपोर्ट के लिए अप्लाई होगा, तब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके ये पासपोर्ट घर पर आएगा। अब देखिए पासपोर्ट की बातें हो रही हैं, ये सब हो रही हैं, तो जाना कहाँ है, जो शुरुआत हुई थी दुबई से, लेकिन अब डिक्लेरेशन आ रहा है कि वो दुबई ना जाकर वो जाएंगे उमराह के लिए। और उमराह के लिए जो जाएंगे उसका रीज़न जो है आप तो समझ ही गए होंगे, बेसिकली क्या है, एक तो व्लॉगिंग और उसके साथ में बहुत सारे जो इनके मुस्लिम्स जो हैं कम्युनिटी के, वो उन सारों को बहुत अच्छा लगेगा और डेफिनेटली इसकी रीच बढ़ेगी। तो ये भी एक पार्ट है इसके कंटेंट का, जिसकी वजह से इसकी रीच बढ़ेगी, इसके व्लॉग्स में व्यूज़ बढ़ेंगे, और व्लॉग्स में व्यू बढ़ेंगे, रीच बढ़ेगी, तो डेफिनेटली पैसे तो आएंगे ही आएंगे। कुल मिला के इबादत हो या कुछ भी हो, ये किसी भी चीज़ में पैसे को अलग नहीं छोड़ती, पैसे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, पहले पैसा है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। और ये सब मावा पुराण और ये सब करने के बाद में लास्ट में बैठी है ये बताने के लिए कि वो 1,00,000 रुपये अपनी सैलरी से, आप समझ रहे ना, सैलरी से 1,00,000 रुपये निकालेगी, जिसमें वो लोगों को कपड़े देना चाहती है, सूट देना चाहती है, और वो चाहती है कि वो 50 लोगों को दिया जाए या 25 लोगों को दिया जाए। कश्मकश ये है कि एक एक दिया जाए या 2 दिए जाएँ, और ये क्वेश्चन अब छोड़ दिया है लोगों के ऊपर। अब लोग जो लग गए भैया 1 देना चाहिए 2 देना चाहिए, भैया 50 को 2, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 2, अरे तुम चाहो तो 1,00,000 रुपये का गिव अवे हर महीने कर सकती हो, जितना पैसा तुम कमाते हो, जिसमें भी आपको ये देखना चाहिए आपके ज़रूरतों के लिए कितना पैसा है, उसके बाद में आपके भविष्य की ज़रूरतों के लिए कितना पैसा है, और उसके बाद में अगर पैसा आपके पास बचता है तो डेफिनेटली हमें जो तकसीम करना चाहिए लोगों में देना चाहिए, गरीब लोगों में बांटना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है ऐसा नहीं है हमारा है, ये पैसा हमें किसी वजह से मिला है, और हम हो सकते हैं कि अल्लाह ने हमें कोई जरिया बनाया हो ये सब पैसे को किसी आदमी तक, किसी और लोग तक, किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचाने का। तो ज़रूरी है कि आपके पास अगर इतना पैसा है तो डेफिनेटली आपको बढ़ना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, और ये सबसे मेरी गुजारिश है अगर वो भी कर सकते हैं तो डेफिनेटली लोगों की मदद करें। ये इतना पैसा अगर है तो ये हमारा नहीं है, ये उसने किसी ना किसी मकसद के लिए भेजा है, और हम तो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हैं, हमें तो उसके लिए ही शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने कम से कम इसके लिए हमें बख्शा तो सही कि हमें इस लायक समझा कि हम उसके लिए जरिया बन सकें और लोगों के सामने उसकी तरफ से दी गई चीज़ों को पहुंचा सकें। तो चलिए पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं, और आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है, जो जो ये ड्रामेबाजियाँ करते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, इन्हें कुछ पता है नहीं खाना क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, मावा कैसा होता है, कैसे लाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, उसको कोई शिक्षा देने को तैयार नहीं है, और जो पासपोर्ट के ऊपर इन्होंने जो इतनी ड्रामेबाजियाँ करी हैं, इन सब के बारे में आपका क्या कमेंट है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा।
ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।